सर मैंने दो बार सुसाइड करने की कोशिश की। आज के टाइम में कोई फोन करके नहीं पूछता कि मतलब जिंदा हो के मर गए हो, क्योंकि सबको पता है अपाहिज आदमी है, अगर कुछ फोन भी करेंगे तो हेल्प ही मांगेगा। सो हमने गुड़गांव में एक भैया की शॉप खुलवाई थी, तो एक और हैंडीकैप भैया है जो उन तक पहुंचे हैं कि प्लीज हमारी भी हेल्प करवाइए, तो देखते हैं मिलते हैं उनसे क्या परेशानी, अंदर देखते हैं क्या हो सकता है। ऑलराइट, सो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये गुड़गांव का कृष्णा चौक था, कृष्णा चौक, उसके सामने हमने एक दुकान लगाई थी, एक पंडित जी हैं उनकी। ये देखिए आगे यहाँ पे पंडित जी की दुकान जबरदस्त लगा रखी है, एकदम मजा आ गया। सो इनकी जो फॉलोअप वीडियो है शॉप की, अभी मेरे फॉलोअप वीडियो पे काम चल रहा है, जैसे ही मैं 4-5 लोगों का फॉलोअप ले लूंगा उसके बाद आपको सारा फॉलोअप एक साथ दिखाऊंगा। सो बेसिकली इन्हीं तक वो भैया पहुंचे थे एंड फिर हम उनसे घर पे मिलने गए डायरेक्ट। काटे हैं क्या बताया आपने? हाँ सर, इससे काटे हैं। अच्छा, तो पैदल चल नहीं सकते, मतलब इससे आप नहीं चल पाते। सो इस घर पे रहते हैं, घर तो क्या है, एक कमरा है ये, और ये इनका, इसको क्या कहते हैं, ये कैलिबर कहते हैं सर, कैलिबर, इसके सहारे चलते हैं। तो इस ये नहीं पहनोगे तो ये लेग जैसे हैं तो चल नहीं पाते हैं। ठीक है, ये इनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल दिल्ली, 76% हैंडीकैप, पोलियो, पोलियो है आपको, मैक्सिमम पोलियो ही होता है सब लोगों को आजकल, नहीं पहले पहले होता था ना, अब तो पहले अब पहले होता था ना सर, अब हमारी मेरी एज 50 साल हो गई, तो उस टाइम में मतलब 50 साल एज आपकी? हाँ जी। शादी नहीं, शादी मैरिड नहीं हुई? शादी नहीं जी सर, शादी नहीं सर। हैंडिंग लोग कहाँ के रहने वाले हो आप? सर मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान जी। अच्छा, फिर तो क्योंकि सर हैंडीकैप लोगों से कौन आजकल करता शादी, आप हैंडीकैप लोगों से कहाँ इतनी जल्दी कोई शादी कर पाता है। अच्छा, कोई परमानेंट जरिया नहीं कमाने का, तो उससे भी बड़ी होती है ना, मतलब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई है नहीं आगे पीछे। अच्छा, तो अब शादी नहीं हुई तो फिर बच्चे तो कोई सवाल ही नहीं है। मम्मी पापा? मम्मी पापा सर, मम्मी एक्सपायर हो गई 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले जी। अच्छा, राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हो? सर पाली जिले का है, पाली, पाली जिला, पाली जी, वो जो अच्छा। के पास पड़ता है सर। यहाँ दिल्ली फिर गुड़गांव कैसे आना हुआ आपका? ये सर लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन। हाँ हाँ, तो उस तो उससे पहले मैं एक जगह कंपनी में काम करता था। किस चीज़ का? वॉचमैनी का। वॉचमैन जी। अच्छा, तो वो मुझे 6,000 देते थे, तो उससे मेरा हो जाता था 6,000 रुपये जी। अच्छा, तो अभी लॉकडाउन जब खत्म हो गया, तो मतलब वो लॉकडाउन हो लग गया, तो उसके बाद सबको हटा दिया गया, गार्ड की नौकरी से, गार्ड की नौकरी हटा दिया, तो उसके बाद से सबसे मैं 3 साल से मतलब सर ऐसे ही भटक रहा हूँ। अच्छा, ना तो कहीं खाने का ठिकाना, ना कुछ, अब पटरी पे भी मतलब वो नहीं है कि कोई रहने देता है, कहीं भी जाते हैं तो मतलब लोग भगा देते हैं हम लोगों को। और यहाँ मैं अभी रह रहा हूँ तो मेरे पास इतना भी वो नहीं, पहले ग्रोसरी में मुझे दिन का 100-150 रुपया मिलता था, तो उससे मेरा, हाँ बीच में आपने बताया था कि वो आप सामान डिलीवरी करने का कुछ काम किया। हाँ, तो किस में करते थे हो? वो बड़ी दुकान थी राशन की। अच्छा, तो वहाँ से सामान उसको कोई मतलब ऑर्डर देता था दुकानदार को, तो वो फिर उसके घर में पहुँचाने जाता था। तो स्कूटी थी आपके पास, उससे आप डिलीवर करते थे? हाँ, आटा वाटा जो भी है मतलब, फिर उससे निकाल दिया। हाँ, वो बताओ। तो उन्होंने फिर मुझे निकाल दिया। अच्छा, क्योंकि लोगों को चाहिए फास्ट सर्विस और मैं इतनी स्पीड में जा नहीं सकता। फिर कई जगह क्या होता था कि बिल्डिंगों में लिफ्ट नहीं होती थी, तो मुझे फिर ऊपर ले जाने में भी बड़ी दिक्कत होती थी डिलीवर करने की। कुछ थोड़ा सा डैमेज हो गया या कुछ हो गया तो फिर लोग मतलब गाली देने चालू कर देते थे कि मेरा सामान तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। सही बात है। तो उसके लिए भी फिर वो उसकी कंप्लेंट होती थी, तो फिर वो दुकानदार ने बोला कि भाई तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता। तो अब पिछले 4 महीने से मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ, ना खाने को देख लो, मेरे पास ना राशन है ना कुछ है। इसी कमरे में रहते हो? हाँ जी, मैं इसी में से। ये देखो, 3-4 यहाँ पे ऐसे घर बना रखे हैं, किराए पे दे रखे हैं। ये देखिए, ये एक कमरा है सिर्फ। मैं ये खिचड़ी बनाता हूँ, खाली खिचड़ी लाता हूँ, जो शाम को बनाता हूँ उसी को 3 टाइम चलाता हूँ, क्योंकि बस यही खिचड़ी है। हाँ जी, तीनों टाइम यही खाते हैं। हाँ जी, अब सर है ही नहीं मेरे पास पैसा, तो मैं कहाँ से ला के दूँ, कहाँ से मतलब वो करूँ, लोग काम नहीं देते, काम नहीं देते तो खाना कहाँ से आएगा। अभी ये मकान मालिक ने इतना परेशान कर रखा, वो बोलता मैं ताला लगा दूंगा, तो ऐसे मैं मतलब ऐसे में मैं कहाँ जाऊँगा, उसका 5 महीने का किराया बाकी। अब
मेरे पास काम हो, कमाई का जरिया हो, तो फिर तो मैं चलो कर भी दूँ, मेहनत भी करूँ, लेकिन अब नहीं होती मेरे से। और मैं पैदल चल नहीं सकता, मेरे से बिगड़ उसके जूते के मैं चल नहीं सकता, बिगड़ कैलिबर के मैं चल नहीं सकता, और कैलिबर के साथ मुझे मुश्किल से 5 से 10 किलो भी नहीं उठा पाता मैं। अच्छा, इसके साथ और वैसे तो मैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं उठा पाता। अच्छा, मतलब बाल्टी भी मतलब मेरे से नहीं उठेगी। तो एक तरीके से बिल्कुल अब मैं मतलब बड़ा और बड़ी उम्मीद के साथ मैंने आपको मतलब वो किया। अब मकान मालिक ने बिल्कुल चेतावनी दे दी कि मैं तो जो कि ताला लगा दूंगा, तो तेरा कहीं भी जाकर रह दो। कितना किराया इसका? 3000 रुपये इसका किराया है सर। 3000 रुपये कमरे का? क्या करें सर, मजबूरी है। सिचुएशन आपकी देखिए, छोड़ते भी नहीं है किराया? नहीं सर, कोई नहीं छोड़ता आज के टाइम में, कौन किसकी वो करता है। एक कमरे में रह रहे हैं बस, थोड़ा बस सामान, ये ना वाइफ है ना बच्चे हैं, बस उसकी उम्र है आपकी 50 साल। तो क्या करूं सर बताओ, अभी भीख तो मांग नहीं सकता ना, मेरे बस का तो नहीं भीख मांगना कि मैं कहीं जाके भीख भी मांग लूं। तो आपने किसी से हेल्प नहीं मांगी आसपास? सर मैंने कई लोगों से मदद मांगी पर नहीं करता, कोई सफलता नहीं मिली, कोई करता नहीं है। और दूसरा हम लोगों को काम नहीं देता, जिसके पास तो हाथ पांव हो तो कुछ भी कुछ कर सकते हैं। अब हम पहले तो हमें बुला लेते हैं, हाँ आ जाना, जब तक नहीं देखते हैं, जब देख लेते हैं फिर हमें बोलते हैं कि नहीं नहीं अब जब होगा तब हम आपको बुलाएंगे, उस कारण से भी हमें मतलब वो कर देते हैं। अब ये दाल और चावल ला के ये खिचड़ी बना देते हैं। हाँ सर, मैं तीनों टाइम इसी को चलाता हूँ। राशन पानी अभी कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं मेरे पास, सही नहीं। रोज किसी चीज से मांग के वही 15-20 रुपए का चावल आता है। वो सुबह कभी कभी नाश्ता आपको वो करा देते हैं? वो कराते मुझे चाय वो पिला देते, जो जिनकी हमने शॉप खुलवाई थी, पंडित जी हैं जो, वो बेचारे मुझे वो पिला देते हैं चाय। हमारे बारे में कैसे उन्होंने बताया आपको? उन्होंने बताया था सर मुझे। अच्छा, तो क्या हेल्प चाहिए आपको? सर मुझे बस ये है कि एक दुकान दिला दो मेरा, और मेरा सर ये इसका किराया दिला दो, क्योंकि इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा मेरा। 3000 रुपये? हाँ जी सर, 4-5 महीने हो गया, वो रोज ताला लगाने की धमकी देता है, क्योंकि वो यहाँ रहता नहीं है, मकान मालिक मतलब। मैं इतना परेशान हूँ। खोखा मतलब जो शॉप हम देते हैं यूजुअली दो टाइप की होती है, परमानेंट होता है, टायर वाला होता है, तो किस टाइप का चाहिए? मतलब मैं तो परमानेंट वाले फिक्स वाला ही ठीक है, क्योंकि और दूसरा मैं मतलब खड़ा रहने वाला होना चाहिए। अच्छा, इसमें आप खड़े हो सकते? हाँ, क्योंकि मैं जमीन पे इसको लगा के नहीं बैठ सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, फिक्स वाला चाहिए जो एक ही जगह पे रहे। हाँ हाँ हाँ। जगह मैंने देखी है सर, इधर कहाँ पे? जहाँ से आप आए ना, रोड पे ही है सर, ये काटरपुरी रोड बोलते हैं इसको। कौन सी रोड? काटरपुरी रोड। ये कृष्णा चौक के पास में ही है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के। अच्छा, रिश्तेदार राजस्थान में कोई? वो सब है, सब रिश्तेदार वहाँ पे राजस्थान में। तो कौन आज के टाइम में कोई फोन करके नहीं पूछता कि मतलब जिंदा हो के मर गए हो, क्योंकि सबको पता है अपाहिज आदमी है, अगर कुछ फोन भी करेंगे तो हेल्प ही मांगेगा, तो कोई करने को भी तैयार नहीं है सर। किसी ने आज तक, मुझे 4 साल यहाँ हो गए, 3 साल हो गए लॉकडाउन में यहाँ पे, किसी ने एक फोन किया? मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, कसम से बता रहा हूँ सर, मैंने 2 बार सुसाइड, क्योंकि अब जैसे अब ये मान लो कल को मुझे निकाल दे, मैं कहाँ जाऊँ? फिर मन में वही ख्याल आते हैं कि अपने आप को ही खत्म कर लो। नहीं वो तो है, लेकिन फिर सोच गए कि यार और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो अपने आप को क्यों, लेकिन कोई है नहीं तो कैसे करूं, ना खाने को ना रहने को, और ऊपर से और ये प्रॉब्लम्स आ जाती। क्या बोलिए भाई, चलो मुझे अब एक बार जगह दिखा दो आप जी, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं आपको, ठीक है? दुनिया बताओ यार, मतलब ऐसे करती है, बिहेव करती है उनके साथ, जबकि इन लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए काम में। यार कोई इंसान कुदरत ने ऐसा बनाया है, तो उनको थोड़ा ना धिकारना चाहिए, बल्कि उनको आगे रखना चाहिए, काम देना चाहिए। कोई कंपनीज हमारी वीडियो देखती हैं तो उनको कोई कोटा निकालना चाहिए हैंडीकैप लोगों के लिए यार, अलग से। आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो तेज़ डिलीवरी करें यार, दुख होता है सब देख के, बट क्या करें। चलो हमारे बस में जो है वो करते हैं, जगह देखते हैं, फिर इनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। आराम से बैठना है। रजांगला मार्ग यहाँ लगाना है? अच्छा, यहीं पे लोकेशन सही है? लोकेशन तो अच्छा है, चौक है, एक्टिव है। लोकेशन तो अच्छी है, चौक है, एक्टिव रोड है। देखिए ठीक है, बात बात कर लेना यहाँ पे। हाँ हम आते हैं दोबारा, ठीक है? सो मिलनी है भैया से, इनके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी टीम संदीप भट्ट।
आज हम तैयार हैं, चलते हैं एक और लाइफ में खुशियां लेके आते हैं। सो ये था वो रोड जहाँ पे उन्होंने शॉप के लिए बोला था, पहुंच गए। मकान मालिक का किराया जो कि बहुत, वो मेरे पीछे देखो, अरे सब लगा था। हाँ अकेले खड़े हो तो मुझे दिखाई नहीं। क्या है? दुकान है सर, वो तो आ गई। दुकान तो आ गई सर, हो गया काम। अरे नहीं नहीं रोते नहीं, खुशी का दिन आ गया आपको। दोबारा से जन्म दिया समझो, नहीं तो मैं तो अगर आप तो हफ्ते भर नहीं आते ना तो समझो मतलब खत्म ही ना सकते। पंडित जी ने बताया मुझे एक एक पल का इंतजार कर रहे हैं वो। बिल्कुल सर, आप जिस दिन से आप गए ना सर, ये समझ लो उस दिन से ही मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। कमरे की तरह है एकदम। अगर ऐसा होएगा तो मैं इसी में अपना सोने का अरेंज कर दूँगा, इसको सजाएं। आपका वन रूम सेट रेडी है, ठीक है, बढ़िया लगा आपको? मतलब जैसा सोचा था आपने उसकी मीट उससे उससे ऑफर ही है, मतलब अच्छा है ना, बड़ा है, इसका साइज भी हमने बड़ा बना, दिल बाग-बाग हो गया आपका, है कि नहीं? रिजंगला मार्ग है, इसकी लोकेशन गूगल मैप के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। लास्ट टाइम ऐसा लोकेशन ली थी मैंने, ये उस रोड से अंदर ले आया कॉलोनी में, अंदर की साइड। तो जब भी आप आओगे ध्यान रखना कि इसकी जगह बाहर की साइड है ये, वरना सोसाइटी के अंदर ले जाएगा आपको। ये चौक है तो यहाँ है ये खोखा। किसी को कुछ भी हेल्प करने आना हो, मिलने आना हो तो आ सकता है आराम से, इसकी गूगल मैप की लोकेशन मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सी लुक एट द साइज ऑफ इट। क्या नाम है आपका? बबलू जी के हाथ से उनको दे, मालिक साहब वो है। अरे भाई आपकी तो दुकान है। अरे नहीं, अरे सर आपके रहते हैं। अरे आप पड़ोसी भी हैं बगल में? पड़ोसी तो हैं, तो दुकान तो आप ही के, पैसे तो आप लोगे, मैं थोड़ी लूंगा, दो इनको। आप नहीं होते तो मेरे को कहां से मिलता ये? तो भैया आप दुकान आपकी है, हमारा किस्सा खत्म। नहीं नहीं, और ये आपकी पड़ोसी भी है? अरे आपकी दुकान है भैया, शूज की दुकान में है यहाँ पे भैया की। पहले ग्राहक आपके पहले पड़ोसी, वो नहीं भी हो गए देखो साथ के साथ। आपका आशीर्वाद है। और आप दुकान के मालिक हैं? काम बड़ा ही आ गया बाप, खुश बिल्कुल भैया जी। मैं बता रहा हूँ कि अगर एक हफ्ता और आप नहीं मिलते ना तो मतलब जीवन लीला समाप्त ही थी, क्योंकि मैं इतना दुखी और इतना परेशान हो चुका था। हम तो एक जरिए हैं, ये जो दुकान आपकी खुलवाई है ये हरनेक सिंह और बलदीश कौर की तरफ से, बलदीश कौर, बलदीश कौर जो कि यूके इंग्लैंड में रहते हैं, उनकी तरफ से। मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करूंगा कि जो आज तक उनको जो खुशी नहीं मिली वो परमात्मा को सारी खुशियां होने दे और उनके सारे गम हम लोगों को दे दे, क्योंकि हम तो पहले ही गम में डूबे पड़े। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और परमात्मा हमेशा उन्हें खुश रखे, खुशी के आंसू ऐसा रहे जो, वरना कौन आज के टाइम में देखो कोई किसी का 10 रुपये की मदद नहीं करता है ना। मकान मालिक ये नहीं सोच रहा कि मैं मतलब इतना परेशान हूँ कि कहाँ से क्या करता हूँ, लेकिन फिर भी अगला बोलता नहीं मेरे को तो चाहिए ही। समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके दुख के दिन हट जाएंगे। ये बस आपका आशीर्वाद चाहिए हमें, तो बस दुआएं हमारी प्रार्थना है। बिल्कुल जी, आपकी दुआ तो बिल्कुल। चलिए बाकी मैंने इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है गूगल मैप का, किसी को मिलने आना, कुछ आपकी हेल्प करने आना तो वो भी आ सकते हैं, ठीक है, गुड़गांव में जो लोग हमारे देख रहे हैं। ठीक है, काम अच्छे से करना बस, आप मेहनत से। इस कट्टे में आपका महीने भर का पूरा राशन भी है, कभी खाने की भी प्रॉब्लम सॉल्व, आटा चावल तेल दाल नमक चीनी सरसों का तेल कपड़ा बड़ा कोलगेट ब्रश व्रश ए टू जेड जो चीज़ होती है घर की सब है आपका राशन भी। तो मेरा एक महीना क्या 3 महीना चलेगा सर? नहीं नहीं जो भी चले, मतलब हाँ, तो एक परिवार के हिसाब से देते हैं ना। हाँ, आप अकेले हो तो अच्छी बात है। हाँ, तो मेरे तो 3 महीने चलेगा सर। तो बस आपने उस दिन बोला था खाली खिचड़ी खाते हो तो सब। हाँ, आज भी सर खिचड़ी मेरी बनी हुई है वही खा के, क्योंकि आप जो देके गए थे ना उसी से मैंने वो फिर खरीदा। अच्छा, चावल और वो दाल। एक दिन अच्छा खाना, आज शाम को अच्छा खाना खाना है, बढ़िया अपनी मर्जी का, पसंद क्या पसंद है आपको खाने में? मैं तो सर वेज ही खाता हूँ, जब ऐसा कोई मतलब खाया ही नहीं तो उसका स्वाद का क्या पता मैं। जो आपकी इच्छा हो करना, ठीक है, ये राशन है आपका, क्योंकि कमा के आदमी खाना ही खरीदता है ना। हाँ, किसके लिए कमाता, पेट के लिए, ये हो जाएगा राशन आपके लिए। एंड विद दैट आवर शॉप इज रेडी।
भी फुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसे मेरी लोगों ने मदद की है तो मेरे से जो भी वो बन पड़ेगा हर महीने मैं अपनी तरफ से भी आपको दूंगा कि आप और किसी की भी मदद कर सकें। बहुत अच्छी सोच है आपकी, अच्छा काम चले आपका पहले तो। जी जी बिल्कुल। आप बैठो फिर अंदर, गद्दी संभालो अपनी। अरे मैं हमेशा ये पूरा सामान जब भी आप आएंगे इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा जितना, क्योंकि मुझे तो कहीं मेरा खर्चा है नहीं, जो है मैंने दुकान में ही करना है और इसी से ही करना है, और जितना हो सकेगा मैं ज़रूर मदद करूँगा लोगों की। मुझे तो इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि इतना जल्दी मेरा ये काम हो जाएगा, इतनी स्पीड में हो जाएगा। मैं तो ये सोच रहा था कि अभी और बहुत टाइम लगेगा और इतने दिन और भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन ये था कि संदीप सर और आप, आपकी वजह से इतना इतना जल्दी और इतना फास्ट काम हुआ कि अब मैं क्या बताऊँ। नेटवर्क बहुत तेज चलता है, मतलब स्पीड से आपने काम किया। और स्पीड से एक चीज और आ रही है आपकी तरफ एक गुलदस्ता। बिल्कुल सर बिल्कुल पकड़ो, मैं बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। पकड़ो तो सही, बताओ तो सही कितने हैं हमारे दर्शकों को, आप बताओ कितने हैं, क्योंकि मैं जिन्हों बिल्कुल बच्चे जा रहे हैं सारी मुसीबतें मेरी खत्म हो जाएगी सर, मैं अभी जाके उसको किराए दूंगा। मैं मतलब समझो कि इतनी मुसीबत में था कि मैं खाना भले ही नहीं खाता था लेकिन उसका उससे भी इतना परेशान था, लेकिन अब आज ही जाके उसको दे दूंगा तो मैं कम से कम मुसीबत से बच जाऊंगा और आगे मैं मेरा इसी में मतलब सोने का अरेंजमेंट कर दूंगा। अच्छा शॉप के अंदर ही? हाँ अंदर ही कर दूंगा, इतनी बड़ी शॉप है, अकेले आदमी को कितनी जगह लगती है, बहुत है तो। और ये 25,000 रुपए जो है इसमें से 1200 रुपीस यक्षित सिंह और जयंश सिंह, 1000 अभिनव कटियार, 6000 कुलविंदर जी जो यूके में रहते हैं, 3300 इज फ्रॉम मुकेश कुमार जी इन मेमोरी ऑफ लेट लज्जावती मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 8000 अभिजीत जी यूके में रहते हैं जो, एंड 5500 रुपीस प्रदीप सिंह जी जो यूएसए में रहते हैं उनकी तरफ से है, टोटल 25,000। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिन्होंने ये मदद की मेरी, मैं तो बोलूँगा परमात्मा उन्हें सारी खुशियाँ दे और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमेशा वो खुश रहे। चलो बढ़िया है, हमारा यहाँ पे काम होता है अब खत्म जी, और आपका काम होता है शुरू। नहीं नहीं सर, आपका काम खत्म कहाँ होता है, आप हमेशा अपना वो आशीर्वाद बनाए रखते। वो बोलते ना कि 5G क्या 6G इसके आगे फेल है, इतनी स्पीड में काम हुआ। भाई तीन का एक टीम है जी, जी बस इसी में हम लोग लगे रहते, हंसते खेलते चलते रहते हैं हम लोग। बढ़िया सर, ऐसे ऐसे ही टीम में काम होना चाहिए सर, तो कम से कम लोगों की बहुत मदद होगी और लोग बहुत दुआएं देंगे और परमपिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे और ये टीम बरकरार रहे जिससे कि और लोगों की भी मदद हो सके। बिल्कुल वही कोशिश है हमारी, ठीक है जी 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 जी। किसी को आपसे मिलने आना हो एक बार फिर से बता रहा हूँ, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग मिलने आ तेलगाना चौक और ये काटरपुरी टी पॉइंट है, काटरपुरी टी पॉइंट तेलगाना चौक है, रसंगला मार्ग करता है। चलिए आप खुश रहे, बिल्कुल बिल्कुल सर, काम करें, अगली बार हम एक महीने में आएंगे फॉलो अप करने, ठीक है सर। एक महीने का आप कभी भी चक्कर मारो और किसी को मिलने आना तो वो भी मिल सकता है। नमस्कार, बाय बाय सर, बाय बाय, चलिए आप काम धंधा आगे बढ़ाइए, हम मिलते हैं एक और शॉप हमारी तैनात यहाँ पर, डन। ब्रो 1000 बक्स, बहुत थैंक यू सर। आप दोनों के लिए अभिजीत जी की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, हमारी बहुत मेहरबानी, बहुत प्यारा प्यार, आप प्यार मोहब्बत आप लोगों के लिए, इतनी हेल्प के लिए। नमस्कार, राम राम, खुश रहे, खुश रहे इस हरे हरे नोट्स की तरह, राम राम, जय सिया राम। बेहद जरूरतमंद भैया, परिवार भी नहीं कह सकते बिकॉज ये तो इकलौते हैं, शादी भी नहीं हुई और तीनों टाइम खिचड़ी खा के जिंदा थे बस ये, और कोई ऑप्शन नहीं था इनके पास, तो आप मतलब देख सकते हैं कितनी परेशानी में लोग जूझ रहे हैं, हम और हमारे टीम लिटरली एक उम्मीद है उन लोगों के लिए, तो बस कोशिश करते रहते हैं कि चाहे खुद 100% फिट ना भी हो फिर भी निकल पड़े हम लोग लोगों की सेवा में, बिकॉज बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने रात को कंबल बांटा था थोड़ा, उस वजह से खांसी है सर्दी है, बट हेल्प करना तो बहुत जरूरी है,
बिकॉज लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा, तो यहाँ से भी हम लोग किसी और से भी मिलने जा रहे हैं, ऐसे कहाँ हम लोग रुकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए हम लोग अलविदा देते हैं आपसे, और किसी को इनसे मिलने आना हो तो गूगल मैप के डिस्क्रिप्शन पे लोकेशन है जो भैया ने बताया, कार्टर कुछ रोड बताया था शायद, वहां पे सुना होगा अपने वीडियो में, तो वहां आप लोग मिलने आ सकते हो इनसे बिल्कुल। तो वक्त बताइए इनके साथ भी, इनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और बस उसी रोड से आगे जाके ये चौक है ना, ये रिजांगला स्मारक, काटरपुरी, काटरपुरी है ये, काटरपुरी रिजांगला वार मेमोरियल ये है, तो यहाँ पे लगा हुआ है ये शॉप। तो अब मुलाकात करेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।